अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं कलसूम आपके साथ लाइफ स्टाइल विद कलसूम में आज बनाने जा रही थी देसी चिकन का सालन, तो वो लाइट चली गई बीच में तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी। अब लाइट आई है तो अब मैं चिकन को चढ़ा चुकी हूँ चूल्हे पे। सिर्फ सिंपल उसमें मैंने डाला है चिकन को धो के, ये देखिए प्याज एक बड़े साइज़ की, दो टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी और एक टीस्पून पिसा धनिया डाल के तो मैंने इसको चढ़ा दिया था चूल्हे पे गलने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होता है, इसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो बस मैं बस इसको गला के भून के तो दम पे लगा दूँगी। सिंपल इतना सही। और आज क्योंकि लाइट की वजह से डिस्टर्बेंस हुई भी है तो मैं कुछ खास नहीं बना रही। मैं फ्रिज में जो कुछ फ्रीज़ किया हुआ पड़ा है उसी में से रोल्स मोसे निकालूंगी और अपनी अफ्तारी की प्रेपरेशन करूंगी। और साथ में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी आज अपनी थोड़ी बहुत किचन क्लीनिंग की रूटीन, कि मैं किचन को अफ्तारी के बाद कैसे साफ़ सुथरा करती हूँ या क्या क्या थोड़े बहुत काम करती हूँ, वही सब शेयर करूँगी। और बस आप रहिए मेरे साथ अगर लाइट आती रही तो, वरना पाकिस्तान में लाइट बहुत बड़ा इशू है। तो जी गोश्त हमारा टेंडर होने लग गया, तो बस अभी थोड़ा टाइम और लगेगा तो इंशाल्लाह ये रेडी हो जाएगा। चिकन हमारा गल गया है, पानी भी थोड़ा ड्राई हो गया है। अब मैं इसको भूनूंगी अच्छी तरह, पैन को खुला रख के। Cheers, welcome back to my channel। गोश्त बिल्कुल गल गया है, घी मैंने इसमें थोड़ा डाल दिया, तो बस अब मैं इसको बहुत अच्छी तरह भून लूँगी। टमाटरों को साथ साथ मैश करती रहूँगी क्योंकि मैंने इसमें ग्राइंड नहीं करके डाली, ऐसे ही डाले हैं। ठीक है, हमारा ऊपर आना शुरू हो गया काफी अच्छा सा। साथ में डाल दूंगी देखिए एक चम्मच दही। Thank you.
देसी चिकन की कढ़ाई का जो मज़ा लोहे की कढ़ाई में आता है वो नॉन स्टिक कढ़ाइयों में नहीं आता। जो भी मजबूरियत है हम लोग बना देते हैं, लेकिन बाहर जाके जो कढ़ाइयाँ हमें इतनी ज़्यादा पसंद आती है उसकी वजह ये है कि वो लोहे की कढ़ाई में बनाई जाती है। तो अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो आप इस चिकन को लोहे की कढ़ाई में बनाएं। मेरे पास नहीं थी तो मैं इसी में बना ली। चिकन की भुनने की खुशबू आनी शुरू हो गई है तो बस इसको 3 से 4 मिनट और अच्छी तरह भुनेंगे। ये देखिए ये गल चुका हुआ चिकन बहुत अच्छा था। तकरीबन इसको 20 से 25 मिनट लगे गलने में, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होता है तो ये गलने में टाइम लगाता है। हमें डालूंगे इसमें 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला, थोड़ा हरा धनिया, क्योंकि ये मेरी देसी चिकन की कढ़ाई तैयार है। और अगर आपको मेरी ये डिश अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जी ये व्यूअर्स, मेरी चिकन कढ़ाई हो गई है तैयार बहुत ही मज़े की। अब मैं अपनी इफ्तारी का इंतज़ाम करने लगती हूँ। जी ये वही वाले समोसे हैं जो उस दिन मैंने बनाए थे, तो बस इनको फ्राई कर दूँगी, साथ में रोल फ्राई कर दूँगी तो बस फिर इस तरह ज़िपलॉक बैग में डाल के मैंने रख लिया उसे, तो ये बहुत दिन तक चल जाते। साथ साथ इधर दूध बॉइल कर लूँगी इनको। मैंने बहुत स्लो फ्लेम पे ये देखे रखा है ताकि ये ऐसा ऐसा डिफ्रोस्ट हो जाएंगे और साथ ही ये फ्राई भी हो जाएंगे। ये मेरे रोल भी बिल्कुल फ्राई हो चले हैं और साथ मैंने दूध भी बॉईल कर लिया। अभी 10 मिनट हैं अफ्तारी में तो बस ये 10 मिनट ऐसे ही छोटे मोटे काम करते जाएंगे। चीयर्स, ये है मेरा मेन्यू। आज हम साथ ही खाना भी खाएंगे। ये देसी चिकन का सालन, खजूरें, रोल समोसे, ग्रीन चटनी, दूध है, इसमें अभी बोतल नहीं डाली तो ये दूध बोतल बनाएंगे आज। तो ये है जी मेरा मेन मेन्यू।